हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर से बिना किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के करप्टेड फाइल और मलेशियस सॉफ्टवेयर को रिमूव कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसको कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आपको टाइप करना है Windows+R, उसके बाद आपको उसमें लिखना है MRT लिख के इंटर कर देना। फिर आपसे कंप्यूटर आपका परमिशन मांगेगा, आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपका एक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल रन होगा, इसको आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। तीनों ऑप्शन में से आप में आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे ऊपर वाला क्विक स्कैन पे ही रहने देना है, क्लिक रहने देना है। आपको फुल स्कैन या कस्टमाइज स्कैन को नहीं चूज़ करना है। आपको क्विक स्कैन चूज़ करके एक बार और नेक्स्ट करना है, जिससे आपका ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल आपके सारे करप्टेड फाइल्स और सॉफ्टवेयर मलेशियस सॉफ्टवेयर को अपने आप स्कैन करने लगेगा, और स्कैन करने के बाद इसे खुद ही रिमूव कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसके कम्प्लीट होने के बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए मैं अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि आपका समय ख़राब ना हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा होने वाला है। बस थोड़ा सा वेट करते हैं इसके हो जाने का, ताकि मैं आपको पूरा दिखा सकूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये स्कैन हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो मलेशियस सॉफ्टवेयर वाज डिटेक्टेड, मतलब मेरे कंप्यूटर में एक भी मलेशियस सॉफ्टवेयर नहीं है। आप में होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देगा, सिर्फ आपको फिनिश पे क्लिक करना है।